चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। जहां मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 28 सीटों में वोटिंग के लिए 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि 63,88,000 वोटर्स वोट करेंगे। तो वहीं वोटिंग के लिए सभी सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग के लिए CRPF की 84 कंपनियां यहां तैनात होंगी। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी विशेष एहतियात बरते जाएंगे। तो आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ऐसे में कोरोना का दौर है, तमाम तरह की सावधानियां यहां पोलिंग बूथ में देखी जाएंगी और तमाम तरह के यहां इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में 84 सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए हैं हर पोलिंग बूथ में। अगर अति संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो वहां भी विशेष कर खास इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में सभी तैयारियां फिलहाल पूरी हो चुकी हैं और प्रचार परसों थम गया था, जिसको लेकर डोर टू डोर प्रचार अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में आपको बताते चले कि 355 कैंडिडेट यहां मैदान में उतरे हैं, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और अगर भांडेर और बड़ा मल्हारा सीट की यहां बात की जाए तो फिलहाल इन दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस और बसपा भी यहां कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्या कुछ नतीजों में रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में फिलहाल सभी प्रचार चुनाव मतदान की तैयारी हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम यहां हमारे साथ तीन फिलहाल रिपोर्ट संवाददाता जुड़ेंगे, जिनसे हम उनके क्षेत्रों का हाल जानेंगे, क्या कुछ वहां तैयारी की गई है, किस तरह से कोरोना दौर में जिस तरह से कहा जाता है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में पोलिंग बूथ में किस तरह का नजारा कोरोना के दौर में नजर आने वाला है, यहाँ उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और कोरोना का जो ये दौर है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो 28 विधानसभा सीटें हैं यहाँ सबकी नजर फिलहाल टिकी हुई है और ऐसे में काफी दिलचस्प ये मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब अपने तीन संवाददाताओं का रुख करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की जानकारी हमें यहाँ देंगे, किस तरह से मतदान की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ भोपाल से अनन्य चतुर्वेदी, ग्वालियर से प्रमेंद्र और इंदौर से सचिन शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अनन्य, आपका क्या कुछ अभी फिलहाल देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और ऐसे में डोर टू डोर प्रचार हो रहा है, फिलहाल किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? किए गएंगे कि इस बार सबसे बड़ा जो फिलहाल में चुनौती कह सकते हैं या फिर एक मुश्किल जो है उसको कह सकते हैं, तो वो कोरोना है, कि कोरोना के संक्रमण के दौर में चुनाव हो रहे हैं और मतदाताओं के लिए पूरी गाइडलाइंस का जो है वो पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी को जो है मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी लोग लाइन में लगेंगे, उसके बाद मतदान होगा। तो काफ़ी सारे इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं, पुलिस बल जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में तैनात किया गया है कि किसी भी पोलिंग बूथ पर या किसी भी वोटिंग वोटर को कोई दिक्कत ना हो और मतदान जो है वो अच्छी तरह से हो पाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस बार जो है वो कोरोना को ही है। और इस कोरोना के वक्त में सबसे ज़्यादा जोर जो है जो प्रशासन ने दिया है वो कोरोना की गाइडलाइन को दिया है कि इसमें कोई भी चूक ना हो जाए। बिल्कुल, ग्वालियर का यहाँ हाल जानेंगे प्रमेंद्र, जिस तरह से ग्वालियर की सबसे ज़्यादा सीटें यानी कि 16 यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हो जाती है, जिसपे जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे में माना जा रहा है, तो क्या कुछ लगता है कि वहाँ किस तरह के फिलहाल इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी बीजेपी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब विज्ञापन वॉर भी शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ग्वालियर चंबल एक सबसे बड़ा गढ़ है दोनों ही पार्टियों के लिए, 16 सीटें यहाँ से आती हैं 28 में से, और पूरी ताकत पिछले दिनों दोनों ही पार्टियों ने ग्वालियर में जोड़ी है। कमलनाथ कल पूरे दिन ग्वालियर में रहे, कमलनाथ ने आखिरी सवाई ली, हमारी अपनी सवाई ली। उसके अलावा शिवराज सिंह के लगातार दौरे यहाँ होते रहे,
ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे होते रहे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर रहे। तो एक एक बड़ा आंकड़ा है ग्वालियर चंबल का, 16 सीटें मायने रखती है किसी भी चुनाव में हार जीत के लिए। और इसके अलावा जो आज क्योंकि 2 तारीख है, कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर आज से जो मतदान दलों का जो हो चुकी है और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बनाया गया है गवर्नमेंट एमएलबी कॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, वहाँ से मतदान दलों की रवानगी का काम आज से शुरू हो गया है और शाम तक ये मतदान दल अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि कल से वोटिंग सुबह से शुरू हो सके। और जहाँ तक आपने बात की राजनीति की, राजनीति काफी चरम पर है इस समय और दोनों ही पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है, चाहे आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, एक दूसरे पे आरोप लगाने का दौर हो, वो सब इस समय चल रहा था पिछले कई दिनों से जब आचार संहिता लगी थी। और लगातार ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से नेताओं के दौरे हो रहे थे, चाहे वो सचिन पायलट हो, उनको बुलाया गया था कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में कि वो आए, और जो मुरैना की जो सीटें हैं, जो गुर्जर बाहुल सीटें हैं, वहां पर उनका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। सचिन पायलट आए, 2 दिन के दौरे पर यहाँ आए और उन्होंने 2 दिन में पूरा अपना जो फोकस था गुर्जर बाहुल इलाकों पर किया। और अब देखने वाली बात यही होगी कि जब वोट खुलेंगे, कल वोटिंग होने के बाद 10 तारीख को जब वोट खुलेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि आखिरकार जनता का पक्ष किसकी तरफ है। बिल्कुल, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और इसमें देखने वाली और दिलचस्प बात यही होगी कि क्या कुछ जनता का मूड होता है। सचिन, आपका रुख करूंगी मालवा निमाड़ क्षेत्र के, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर फिलहाल सामने आ रही है? देखिए ऋतु, जिस तरह से यहाँ पर जो सांवेर विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, इसके बाद जातिगत समीकरण ने भी बनने की यहाँ पर बात आ रही थी, लेकिन जब चुनाव प्रचार बढ़ा, लगातार कैंडिडेट अपने क्षेत्र में जाने लगे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तो यहाँ पर अब जातिगत समीकरण की अब बात यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि मतदाता जो है वो अपना मूड बना चुका है, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव हुए थे उसके बाद कई समीकरण बदले, सत्ता चेंज हुई, कैंडिडेट कई तरह से चेंज हुए, इसके बाद लगातार कई तरह के जो समीकरण बनने थे वो बने। अब जिस तरह से लगातार यहाँ पर चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा था, कई बड़े नेता यहाँ पर सभाएं लेने पहुंचे, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो जिस तरह से यहाँ पर प्रचार हुआ, जनता ने अपना मूड बनाया। कल वोटिंग है तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। आज मतदान सामग्री वितरण की जाना थी, जो कि कलेक्टर के मनीष सिंह की निगरानी में आज नेहरू स्टेडियम से सभी जो सांवेर विधानसभा में 300 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर टीमें रवाना हो चुकी है। शाम तक ये टीमें अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच जाएगी। सुरक्षा की बात करें तो काफी हॉट सीट होने की वजह से यहां पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस भी यहां पर बुलवाई गई है, 4000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तब देखने वाली बात होगी कि जो मतदाता है उनका रुख क्या है, और वहीं ईवीएम मशीन में कल जो दोनों कैंडिडेट्स है उनका भाग्य तय होगा। बिल्कुल अनन्या, यहाँ पर अगर बात 28 विधानसभा सीटों की जाए तो क्या कुछ लगता है किस तरह का जातिगत समीकरण यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है? और ऐसे में जो अति संवेदनशील इलाके हो जाते हैं, सीट हो जाती है जहाँ पर पोलिंग बूथ है, मतदान डाले जाएंगे, वहां किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कोरोना गाइडलाइन के अलावा? कोरोना गाइडलाइन के अलावा की बात की जाए तो जो फिलहाल में इंतजाम हैं वो हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और सभी जो हैं वोटर्स वो सभी वोट करने आएँ, क्योंकि कोरोना काल में एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी ये रही कि वोट करने सभी आएँ, और इसी के लिए जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाए गए चुनाव आयोग द्वारा, घर घर जाकर ये बताया गया कि वोट डालना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो उठी हैं, खासकर इस उपचुनाव में, यानी कि ऐतिहासिक उपचुनाव रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में और रहने वाला भी है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। अगर वादों की बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो 33 मुद्दे जो हैं वो छाए रहे हैं पूरे उपचुनाव में, और अगर बात की जाए व्यक्तिगत आरोपों की या फिर स्तरहीन आरोपों की, तो ये चीज़ें इस बार देखने को मिली हैं कि स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में हुआ। अगर कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने की बात की जाए या फिर
कैलाश विजयवर्गीय, इमरती देवी और मोहन यादव, बिसाहूलाल और अनन्य। फिलहाल मुद्दे क्या कुछ है उसके बारे में बाद में संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ सवाल यह है कि किस तरह से क्या कुछ इंतजाम वहाँ किए गए हैं। परमिंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग में, जिस तरह से आपने बताया कि पोलिंग बूथ में आपने यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं बरती गई हैं, तो ऐसे में अगर जाने की जनता का मूड जमीनी स्तर में आपने भी देखा होगा और बात बात की होगी मतदाताओं से, तो क्या कुछ वहाँ जनता का मूड कहता हुआ नजर आ रहा है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो जनता के मूड का जहाँ तक सवाल है, हमने भी लोगों से बात की है, जो आम मतदाता है उनसे हमने बात की है, उनका साफ एक रूप है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई और दोबारा से जो चुनाव का भार जनता पर डाला गया उसको लेकर काफी लोग है, और जिस हिसाब से जो सिंधिया सिंधिया उनके समर्थक जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, जो इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं सभी लोग, तो उनको देखकर जो बीजेपी का संगठन है वो भी काफी नाराज है, और जो भी नेताओं के साथ भीड़ भाड़ दिख रही है वो उनके अपने कार्यकर्ता हैं। जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं, जो सालों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, वो कोई भी निकल कर सामने नहीं आया था इस प्रचार चुनाव प्रचार में। तो इसके मायने साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक उनको टिकट दे दिए गए, लेकिन जो लोग अपनी सेवा कर रहे थे पार्टी के लिए, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें चुनाव में टिकट मिलेगा, उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, जिसको लेकर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बात ये हो सकती है कि भितरघात की जो संभावना है वो काफी कुछ हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो सतीश सिंह सिकरवा है, ग्वालियर 16 नंबर सीट से, वो पहले बीजेपी में थे और उसके बाद वो कांग्रेस में आए, कमलनाथ ने उनको टिकट दिया और कमलनाथ के टिकट मिलने के बाद अब वो चुनाव मैदान में है। मुन्ना लाल गोयल सिंधिया समर्थक उनके सामने है। कल ही बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सतीश सिंह सिकरवार के जो भाई है सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, उनको प्राथमिक सदस्यता से बीजेपी ने हटा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि वो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने भाई जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनके हित में काम कर रहे हैं। तो एक बीजेपी भी सचेत है, बीजेपी अपनी कार्रवाई संगठन स्तर पर कर ही रही है। तो कुल मिलाकर जनता का मूड यही है कि जनता सिंधिया समर्थकों के साथ जाती है या कांग्रेस को इसमें एक बहुत बड़ा बहुमत दे पाते हैं लोग कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि 28 में से अगर 16 सीटों में कुछ आंकड़ा उनकी तरफ आता है तो एक बार कोशिश की जा सकती है कि फिर से कमलनाथ जो अपनी जो सत्ता है उसमें वापस लौट सके, और जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगे चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, शिवराज सिंह को बहुत बुरा भला कहा गया, कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए कुछ बहुत कुछ कहा, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है इनका भी असर कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से विवादित बयानों का एक दौर बदस्तूर जारी था, इसका भी असर कहीं ना कहीं मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि बात की जाए तो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, ऐसे में सचिन एक आखिरी रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर एक सिलसिला देखा गया राजनीति में, किस तरह की उठा पटक मची हुई थी, सभाएं यहाँ की गई थी लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे सभाओं से गायब थे, सिर्फ विवादित बयान और आरोप प्रत्यारोप का दौर था। जनता यानी कि जो मतदाता है वो क्या कुछ कहते हैं वहां के मालवा निमार क्षेत्र के, और क्या कुछ उनके स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं अभी फिलहाल? ऋतु देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार हुआ कि पहले प्रेमचंद गुड्डू भारतीय जनता पार्टी में थे और वहीं तुलसी सिलावट कांग्रेस में थे। कांग्रेस से तुलसी सिलावट में सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद तुलसी सिलावट ने बीजेपी का रुख किया, वहीं जो बीजेपी के प्रेमचंद गुड्डू थे उन्होंने खास तवज्जो नहीं मिलने के कारण कांग्रेस का रुख किया। दोनों को दोनों दल के नेताओं को यहां से सांवेर विधानसभा से टिकट मिला, उसके बाद यहां पर कुछ समीकरण काफी हद तक चेंज हुए। जनता का मूड गुस्से में थी क्योंकि उनका नेता दल बदल चुका था, जिसके बाद से लगातार यहाँ के जो सांवेर विधानसभा के लोग हैं मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं रोष की लहर थी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे मत का दुरुपयोग किया गया है, उसे बेचा गया है। तो जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर एक हॉट सीट कही जा रही थी, उसके बाद से लगातार जनता ने अपना मूड बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी सांवेर विधानसभा में पूरी जी जान से मेहनत की, हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेमचंद गुड्डू जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे,
एक लंबे समय बाद कांग्रेस विधानसभा में क्षेत्र में उन्होंने वापसी की और यहाँ के क्षेत्र की जनता का दिल जीता। अब फिलहाल यहाँ जनता जनार्दन है, ये अपना मूड बना चुकी है। कल इन दोनों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 10 तारीख को किसकी विजय होती है और ये कौन होगा सांवेर का सिकंदर, ये देखने वाली बात होगी। आने वाली 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें साफ पता चल जाएगा कौन दिवाली मनाता है और किसका दिवाला यहाँ निकलता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मध्य के महाभारत यानी कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और चुनाव के लिए पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है। ऐसे में डीएनएन की खबर आपको बता दें, डीएनएन की नजर लगातार मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर बनी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।